की खबर दर्शकों को बता दें, सपा का खाता खुला और सपा की एक सीट पक्की हो गई जीत के साथ में। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता खुला और जैसी खाता खुला वैसे ही ये खबर भी आ गई कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। इस पर बीजेपी ने कमेंट भी कर दिया। बिजावर सीट से सपा के राजेश शुक्ला जीत गए। अब मालवा का रुख करते हैं, बताएं कैलाश। हाँ, यह मालवा में एक परिणाम भी आ चुका है। रतलाम ग्रामीण से दिलीप मकवाना जीते हैं, 5600 वोटों से वो जीते हैं और करीब 32 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। और सबसे ताज्जुब ये इसमें है कि झाबुआ सीट से कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया करीब 16000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण जो है जेवियर मेड़ा, जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला था, वो बागी खड़े हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस का यहाँ पे नुकसान किया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। और एक मनावर सीट है, यहाँ पे दिलचस्प फाइट थी। यहाँ पे जयस संगठन है, उनके जो हीरालाल अलावा है उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था। ये करीब 18000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है रंजना बघेल, पूर्व मंत्री रही हुए, तो यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। चलिए, तो कह सकते हैं कि हर एक बयान कलेक्टिवली बीजेपी को नुकसान पहुँचाता दिख रहा है। मध्य क्षेत्र कुल सीटें, वर्तमान स्थिति बताएं जी। 36 सीट है कुल और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है बीजेपी वापस 2013 की स्थिति में आती दिख रही है। पिछली बार बीजेपी के पास में 29 सीटें थी, अभी अब तक की जो स्थिति है उसमें बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब अभी फिलहाल की स्थिति बताएं हम तो 5 सीट पीछे चल रही है 2013 से। हरदा की दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है, बैतूल की 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, होशंगाबाद से पुनीत जी हैं इसलिए तो मेरा इंटरेस्ट इस सीट पर लगातार बना हुआ है। सीतासरण शर्मा यहाँ आगे चल रहे हैं। सीतासरण शर्मा अभी भी आगे चल रहे हैं, अभी भी आगे हैं, बिल्कुल आगे रह गए शुरुआत के बाद। बिल्कुल, टिमरनी से चाचा आगे चल रहे हैं संजय साहब बीजेपी के।